तपस जी, इसके अतिरिक्त सामने बैठे एसडीएम साहब एवं अन्य सभी सम्मानित विद्वानगण, जैसा कि एसडीएम साहब ने कहा, और हमारे प्यारे बच्चे जो निश्चित रूप से भारत के साहित्यिक प्रगति का प्रतीक हैं और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम लोग खुश नसीब हैं कि जो भारत में भविष्य में जाने जाएंगे अपनी किताबों के लिए, अपने काव्यों के लिए, हम जब कभी बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे तो हम कहेंगे, अरे जब ये बच्चे थे तब हम इनसे मिले थे, और तब हम अपने पियर, अपने सर्कल में जो है इस बात को बड़े गर्व के साथ कह पाएंगे कि अरे यार जब वो बहुत छोटे थे तब से हम उन्हें जानते हैं। तो थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अस। मैं बहुत लिखती पढ़ती टाइप की नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे बैचमेट हैं राकेश मिश्रा जी, इस समय एसटीएफ में पोस्टेड हैं और तूफान तखल्लुस से लिखते हैं। मुझे उनकी चार लाइनें हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं वो चार लाइनें जो मुझे उनकी पसंद हैं केवल वो कहूँगी। बेवफाई और जो है विरहा और उसमें श्रृंगार, दोनों का जो प्रतीक है वो इन चार लाइनों में उन्होंने दर्शाने की कोशिश की और मुझे पसंद है इसलिए मैं कह रही हूँ। घर की तन्हाई छुपा दी जाए, घर की तन्हाई छुपा दी जाए, उसकी तस्वीर लगा दी जाए, मैं भी जिंदा हूँ बिछड़ के उससे, आओ अफवाह उड़ा दी जाए। चूंकि ये लाइंस जो हैं उन्होंने जब हम ट्रेनिंग के समय साथ थे तभी उन्होंने मुझे सेंड की थी और तब से मैंने संभाल के रखी हैं, तो आज काम आ गई, तो थैंक यू तूफान जी। लिटरली ये मंच जो है धामपुर में अब तक पिछले 4-5 महीनों में जो हमने देखा, इट इज़ फर्स्ट सच प्लेटफॉर्म जहाँ पर साहित्यिक प्रगति को, जहाँ पर साहित्यिक इंटीग्रेशन को मौका मिला है। यहाँ हिंदी भी, उर्दू भी और अन्य भाषाओं के शब्द जो हमारी भाषा में कहीं ना कहीं मिले छुपे रहते हैं, जिसमें फारसी भी है। मैंने अभी एक वर्ड सुना था साहिला के में, एक फारसी वर्ड भी जो है उन्होंने अटेम्प्ट किया था। तो सारी भाषाओं का इंटीग्रेशन, एक्चुअली नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आज सुबह हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ भी ली थी, तो निश्चित तौर पे आज का दिन चरितार्थ हो गया कि जो एकता के प्रतीक जो है वो हम यहीं इसी मंच से देख रहे हैं। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैडम, ये मंच जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब बीमारियों को, जब लोगों को नींद नहीं आती है, लेकिन आप लोगों के साथ बैठ के मुझे लगता है यहाँ आज सबको बहुत अच्छी नींद आएगी घर पर, जब वो जो है इन सारी काव्यों को याद करेंगे कि आज का दिन कैसा बीता। आई स्पेशली, मतलब मैडम का मैंने निमंत्रण पहले से सुना हुआ था, बट आपका जो श्रृंगार और जो विरह दोनों कंबाइन करके आपने जो सुनाया तपस ने, आई रियली लव्ड दैट। तो आज ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम रात में सोने जाएंगे तो हमें भी अच्छी नींद आएगी। तो निश्चित तौर पर जब आप लिखते हैं, जब आप सुनते हैं और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ मेडिसिन जो एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि रोगों से आपको दूर करता है। तो थैंक यू फॉर गिविंग सच अ प्लेटफॉर्म, थैंक यू फॉर गिविंग सच ओवरवेलमिंग वेलकम टू अस ऑल्सो, फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों के बीच आऊँ और इसका आनंद ले पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।